सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम हिंदी में सीखेंगे, पांचवा चैप्टर है धरती को महकाए, ठीक है। उसके आगे वाला पुनरावर्तन का भी मैंने आपको बता दिया था, और आपको पुनरावर्तन का आपको आप घर पे बैठे बैठे भी आपको खुद ही करना है, क्योंकि ये सब हो गया है हमारा, ठीक है। यहाँ पे पुनरावर्तन में एक गांव का दृश्य है और उसके आधार पर आठ दस वाक्य भी लिखने हैं पेज नंबर 31 पर, और उसके नीचे भी एक जामा वाला जो भी जो कहानी है हम सबको बताइए, तो वो कहानी के आधार पर भी 10 वाक्य आपको लिखने हैं। और पीछे जो भी मैंने बताया था आपको गिनती वाला, तो गिनती भी आपको खुद ही लिखनी है, क्योंकि अंदर बताया है गिनती कैसे करनी है वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये सब चौथी कक्षा में भी पांचवी कक्षा में भी हम पढ़ गए हैं, ठीक है ना। तो ये गिनती वाला अब आपको खुद ही करना है, वहाँ पे बहुत सारा बताया है, देखिए यहाँ पे ये गिनती वाला चैप्टर, तो यहाँ देख देख कर आपको नोटबुक में लिखना है और समझना है। बाकी में यहाँ पे रास्ता ढूंढना है वो भी है, और यहाँ पे आपको ये जो यहाँ पे लिखा है जैसे गिनती के बारे में यहाँ पे शब्द लिखने हैं, नीचे भी यहाँ पे लिखने हैं, और यहाँ पे जो कि आगे बताया है उसके आधार पर यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, गिनती के आधार पर। अगर उसका जो भी पीछे अध्याय वगैरह है वो यह है कि यहाँ पे भी आपको शब्द बनाने हैं, और ये दूसरा जो भी शब्द है हिंदी में वो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो ये पूरा स्वाध्याय और पुनरावर्तन के जो भी प्रश्नोत्तर है वो आपको खुद ही लिखने हैं, क्योंकि ये जो पीछे चला दिया है उसके बारे में है, तो दोबारा मैं नहीं चलूँगी, ये सब आपको अपने आप ही करना है। और कहानी तो आपको लिखनी है, क्योंकि कहानी का दृश्य तो यहाँ पे बताया हुआ है, तो आप लोगों को खुद ही कहानी लिख लेनी है, ताकि अगर एपिसोडी में पूछा जाए दो चार वाक्य लिखने हैं तो आप खुद ही लिख सकें, है ना। तो अब आते हैं पांचवा चैप्टर है, जो पांचवी कविता है धरती को महकाए, तो आज हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। धरती को महकाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दृश्य है धरती को महकाए, ये यहाँ पे दो तीन चित्र दिए गए हैं, और धरती के विषय में क्या क्या है वो यहाँ पे बताया है, देखते हैं उसमें क्या है। वो ऊपर बहुत से वहाँ पे है, मैं उसका सारांश देता है, देख लेते हैं क्या है। इस समय में प्रकृति के तत्व फूल सूरज दीपक की बात की है, फूल हमेशा मुस्कुराता है, सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाने का कार्य करता है, और दीपक खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से अपना काम करना चाहिए और अपनी धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने का प्रयास करना है। तो मैं हर बात आपको बोलती हूँ कि जब भी यहाँ पे भगवान ने इतना सारा कुछ हमको दे दिया है भेंट के स्वरूप पे, हमको किसी का पैसा चुकाना नहीं पड़ता, ये सब मुफ्त में मिले हैं, यानी कि प्रकृति हमको मुफ्त में मिली है, ये भाग बगीचे, ये वृक्ष, सूरज की रोशनी, चंद्र की रोशनी, तारे, ये सारा जो जगत है उसमें जो भी प्रकृति के तत्व है वो अपने आप में हमको मिल गए हैं, जैसे हमको उसका कुछ चुकाना नहीं पड़ा है, ठीक है ना। तो उनकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, ये कोई हमको कोई भेंट दे दे तो उसको हम ऐसे ही तोड़ फोड़ देंगे क्या, नहीं। तो उसका सही तरह से उसका उपयोग करना है और संभाल के रखना है, बचा के रखना है, ठीक है ना। ये जल है तो जल भी हमको संभाल के रखना है, जो कि अगली पीढ़ी के काम में आ सके, दूसरे को काम में आ सके। कहाँ पे जल नहीं है जहाँ पे, वहाँ उन लोगों से हम अगर बात करें ना तो पता चलेगा कि जल की कितनी आपत्ति है, कितनी समस्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो क्षेत्र है वहाँ पे जल की आपत्ति उतनी नहीं है जितनी दूसरे और प्रदेश में है। तो यहाँ पे हर जगह पे कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रेम स्वरूप जो भी भगवान ने दिए हैं प्रकृति के साथ उसकी बात की है। आइए देखते हैं कविता का ध्यान करेंगे, पहले थोड़ा बहुत बात हम समझ लेंगे, ठीक है ना। दरिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं,
प्रज्वलित करो तो मानो कि
एक रोशनी से छा गई थी हमारे सबके मन में, सबके दिल में, कि कहीं ना कहीं ये डर छुपा था कोरोना का, तो वो बहुत अच्छी तरह से वो नष्ट हो गया। ये डर जो था ना, वो डर को हमको जीतना है। तो ये यही बात है, दीपक में भी यही बात है कि जब भी पूरे देश में दिवाली मनाते थे, दिवाली की जैसे रोशनी जगमगाती थी, तब पूरा अंधेरा है ना वो गायब हो गया। ठीक है, तो इसी बार भी ये दिवाली भी बहुत रोशनी लेकर आई थी हमारे लिए। तो यही बात है कि चिराग जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो उसकी जो रोशनी है वो खुद तो जलता ही है, पर उसका फायदा हमको मिलता है, यानी कि उससे कुछ सीखना चाहिए हमको। जैसे कि दूसरे के बारे में भी हम बताते हैं कि वो पूरी जल जाती है, और उसकी जो उसकी सुगंध है जो चारों ओर चल जाती है, वो खुद जल जाती है। ठीक है, तो यही भाग दीपक में है, वो खुद अंधेरे में रहता है। दीपक से कहना ना आपने कि उसके नीचे है ना पूरा अंधेरा होता है, पर वो सारे कमरे को रोशन कर देता है। ठीक है, एक दीपक जलाने से पूरा कमरा रोशन हो सकता है। तो यही बात यहाँ पे कभी हमको बताई है कि अगर आप चाहें तो आपके जीवन में बदलने अंधेरा हो, पर आप दूसरों के जीवन में उजाला फैला सकते हो। अपने अपने इतनी ताकत है, अपने इतनी हिम्मत है, क्यों डर रहे हैं, है ना? ये डरने का समय नहीं है। अगर आप में सच्चे चाह होगी दूसरों को कुछ देने की, तो वो भगवान भी उसके साथ जुड़ जाएगा, पूरे प्रकृति भी हमारे साथ जोड़ जाते हैं। बस मन में हमको ठानना जरूरी है कि मुझे ये कार्य करना है, तो सभी जगह पे उजाला नजर आएगा, अंधेरों को मिटा देंगे हम। यही विचार है, ये विचार हमने कभी नहीं प्रकट किया है हमारे सामने। ठीक है, अभी आगे आगे आओ हमने इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करें और सारे सभी को महकाए। तो यहाँ पे कवि ने कहा है कि आओ सब इंसान बनकर, सभी को कहना पड़ा, क्यों कहना पड़ा, क्यों इंसान नहीं है हम, इंसान ही है, पर शायद कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं ना, कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं। गुजराती में एक वाक्य है जो मैं बताना चाहूंगी, मानस मानस थाय तो सारो, हम एक वाक्य है, मानस मानस थाय तो सारो, यानी कि इंसान इंसान हुए तो अच्छा है, क्योंकि इंसान में इंसानियत नहीं रही। ये जो भगवान ने जो मूरत बनाई है ना हमारी, वो मूरत के अंदर का जो मस्तिष्क है और मस्तिष्क में जो विचार की शैली है ना, वो संतुलन कहीं बिगड़ गया है हमारा। ये पारिवारिक असंतुलन या सामाजिक असंतुलन कहीं भी कुछ ना कुछ तो बिगड़ा है, कुछ ना कुछ तो बिगड़ा है। इसलिए कवि और लेखक को कहना पड़ता है कि हिंसा अगर हिंसा हो जाए तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पृथ्वी पर हम आने से पहले भगवान के पास चलते थे, तो सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ हम ठीक ठाक थे, है ना, ठीक ठाक थे। पर क्या हुआ कि जब भी यहाँ पे दुनिया में प्रवेश किया हमने और थोड़ा बहुत जानने लगे ना दुनिया को, तभी से हमारे मन में ये मेरा है, ये तेरा है, ये नहीं है, ये वो नहीं है, ये मेरे समाज का नहीं है, मेरे धर्म का नहीं है। ऐसे ही हम विचार शैली का जब भी हमने ग्रहण किया ना, तभी से इंसान इंसान नहीं रहा। इसीलिए कवि को यहाँ पे कहना पड़ता है कि इंसान अगर इंसान बने तो अच्छा है। तो यही बात हमको सीखनी है कि हमको भी कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बुरा अच्छा ना कर सको तो कोई बात नहीं है, हमको क्या सोचना है कि हम किसी के लिए अच्छा करें तो बहुत बेहतर है, पर अच्छा ना कर सके तो कोई बात नहीं है, पर किसी का बुरा तो नहीं करो। हमको यही सीखना है, समाज में रहकर क्या सीखना है हमको कि किसी का बुरा मत करो, व्यवहार सभी से अच्छा करो। अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो उसका बदला जरूर मिलेगा हमको। ठीक है ना, तो जितना बुरा बनोगे, जितना बुरा बर्ताव करोगे, उसका परिणाम जो है वो उसका बुरा ही आएगा। तो इससे बेहतर है कि हम अच्छा बनने का प्रयास करें और कभी किसी का बुरा न सोचे, बुरा न करें, तो ही ये जग है ना वो बहुत सुंदर हो जाएगी, विश्व बहुत सुंदर हो जाएगा, विश्व के मानव मानव हो जाएंगे, इंसान इंसान हो जाएंगे। ठीक है ना,
ये प्रकृति हो, चाहे प्राणी की बात हो या चाहे कोई भी बात हो, पर हमको प्रकृति को संभाल के रखना है, एक इंसान को भी संभाल के रखना है, ठीक है ना। यदि इंसान हिंसा की कचरा नहीं करेगा तो फिर तो क्या रह जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये पृथ्वी है, ये जगत है, पूरा इंसानों से घिरा हुआ है। कई कितने बुरे लोग हैं, बुरे बुरे लोग नहीं है, बुरा उसका बर्ताव है, उसका जो परिसर है, उसका जो वातावरण है, उसमें उसको नहीं सिखाया गया शायद कि कैसा बर्ताव करना है। आप लोग तो बच्चे हैं और हम लोग सिखाते हैं, तो आप और ये ठान लो कि बड़े होकर आपको क्या बनना है, बड़े होकर आपको कैसा बनना है। बड़े होकर क्यों, अभी से अभी स्टार्ट कर दीजिए, आपसे कैसा रहना है घर में, सबके साथ कैसा व्यवहार करना है, बाहर किसी के घर जाते हैं तो कैसा व्यवहार करना है। हम कल समाज में खड़े होंगे तो समाज के साथ कैसा बर्ताव करना है हमको सीखना चाहिए, अभी नहीं करेंगे तो कब, ठीक है। तभी तभी ये फिर लाइन नहीं आएगी कि इंसान इंसान बने तो अच्छा है, ठीक है ना, इंसान इंसान बन गया। तो यही बात हमको इस कार्य से सीखनी है कि प्रकृति के तत्व तो हमको देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, तो हम क्यों पीछे रहें, ठीक है ना। हमको प्रकृति का बचाव करना है, उसको संभाल के रखना है, और उसका जो भी आनंद है वो हमको लेना है, ठीक है, आनंद लेना है। भाग बने के में फूल है तो उसकी जो भी स्मेल है, जो भी सुगंध है, वो हमको अनुभव करनी है, उससे कितना आनंद मिलता है वो हमको महसूस करना है। हम क्यों दूसरे के बारे में सोचें या दूसरे दूसरों की बुराई के बारे में सोचें, हमको अच्छा ही करना है तो अच्छा ही ग्रहण करो, ठीक है ना। तो आज के दिन इतना ही, इस कविता का पूरा भावार्थ मैंने आपको बता दिया है, स्वाध्याय भी मैं भेज दूँगी आप लोगों को, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा स्वाध्याय है नहीं, अभ्यास कर है थोड़ा बहुत, अभ्यास में यहाँ पे दिखाया गया है कि सामूहिक तथा व्यक्ति गान करवाइए, तो यहाँ पे ये काव्य है वो मैंने आपको सुना दिया, फिर भी आप अगर सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे होगा ही, ठीक है ना। और ये दूसरा है अंदाज अपना अपना, यहाँ पे लिखा है कि यदि सूरज न निकला तो क्या होगा, यदि बगीचे में पेड़ लगते होते तो क्या होता है, यदि दीपक होता तो, यदि पेड़ पौधे न होते तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सोचकर बताना है कि क्या हो सकता है, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर, आपके आस पास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं, तो बगीचे में क्या है, गेंदे के फूल है, लिली के फूल है, गुलाब के फूल है, सूरजमुखी के फूल है, जासूस के फूल है, ठीक है। तो ये सारे फूल हमको बगीचे में दिखाई पड़ते हैं, तो ये प्रश्न हो गया। प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं, तो भाई है तो बताने की जरूरत नहीं है, मैंने काव्य के शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि ये सूरज है, चंद्र है, तारे है, बाग बगीचे, वृक्ष, पानी, ये सारे जो है वे प्रकृति के ही तत्व है जो भगवान ने हमको दिए है, ठीक है। तीसरा प्रश्न, प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है, प्रकृति से बहुत कुछ मिलता है हमको, ठीक है ना। सूरज से क्या क्या मिलता है, सूरज से हमको रोशनी मिलती है, चंद्र से चांदनी मिलती है, प्रकृति के तत्व जो कि बाग बगीचे हैं उसमें से हमको सुगंधित हार, वृक्ष वृक्ष के जो भी पुष्प है वो पुष्प हमको प्राप्त होते हैं आयुर्वेदिक के तौर पर, कितने वृक्ष कितने जो भी बेला है वो उसमें से हमको आयुर्वेदिक जो औषधियाँ है वो हमको प्राप्त होती है। तो बहुत कुछ हम प्रकृति के तत्वों से हम ले सकते हैं, ठीक है। जोड़ मिलाना है, काल में फूल तो क्या देता है, खुशबू देता है, सूरज क्या देता है, गर्मी देता है, दीपक क्या देता है, अंधेरा भरना, मानव अच्छे काम करना, तो यही बात यहाँ पे बताई है। तो उसके बाद में समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर लिखना है और उसके वाक्य में प्रयोग करना है। ताकि पुष्प फूल मुझे पसंद है, रवि यानी कि सूर्य, भूमि यानी कि धरती, मानव यानी मनुष्य, दिया यानी कि दीपक का जो वाक्य खुदी बनाना है। उसके पीछे चित्र के आधार पर पांच वाक्य लिखने हैं, तो ये जो फूल दिया गया है, सूरज दिया गया है, उसके आधार पर आपको यहाँ पे लिखना है कि फूल क्या क्या हमको दे सकता है, सूरज क्या क्या हमको दे सकता है। तो मैंने बता दिया है, तो दोबारा नहीं बोलूँगी, आपको सोच कर लिखना है, ठीक है। उसके नीचे दिए गए शब्दों को उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे सर्वनाम, सर्वनाम यानी कि नाम की जगह पे जो भी शब्द हम रखे उसको सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा नाम क्या है, देखो तो
फिर ऊपर से लेना है। देखो तो इधर भी आ रहा है, तो क्या आ रहा है, देखो तो कोई इधर आ रहा है, ठीक है। खाने के लिए खाने से क्या तो दे दो, बहुत भूख लगी है, क्या आएगा खाने के लिए, कुछ तो दे दो, कुछ भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, मैंने क्या काम पूरा कर दिया, तो क्या आएगा, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। फल जीने कहाँ जा रहे हो, तो आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये फल जी मेरे को हो गए, ऊंची आवाज में पढ़िए और समझिए, प्रमाण प्रमाण प्रेम भजन सूक्ष्म ग्रामा कवि कवियत्री कव्य कार्यक्रम श्रृंगार शरदचंद्र श्रेष्ठ। तो यहाँ पे अभ्यास का भी कार्य पूर्ण हो गया। अभी आते हैं सद्य की ओर, पर सद्य में लिख के आपको बता दूंगी, फोटोग्राफ भेज दूंगी। तब तक के लिए अस्तु, जय हिंद।